हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वाइबिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सिंपलेस्ट हैक्स के बारे में जिन्होंने मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी पे मेरी बहुत हेल्प की थी। अब आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे बाल बढ़ाते हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है और इन 1.5 सालों में मैंने अपने हेल्थ केयर रूटीन को बहुत ही सिंपल रखा है, जिनके कुछ सिंपल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको अगर एक स्मॉल अनकन्वेंशनल यूट्यूबर से अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी पे से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलो हम चलते हैं आज के पहले हैक पे, जो है यूज अ सल्फेट एंड पैराबिन फ्री शैम्पू। हमारे स्कैल्प अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जब हम सल्फेट और पैराबिन वाले शैम्पू को यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्कैल्प से उस ऑयल को निकाल देता है, और जब आप ऐसे शैम्पू को वीक में 2-3 बार यूज़ करते हो ओवर अ कोर्स ऑफ 3 years 5 years, तो आप सोचो कि वो हमारी हेल्थ को कितनी बुरी तरह इफेक्ट करेगा। अगर आप ऐसे शैम्पू को यूज़ करते हो तो आप तैयार हो जाओ कि आप बहुत जल्दी गंजे होने वाले हो। अगर आप ऐसा शैम्पू यूज़ करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी स्कैल्प पे वो ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसकी या तो क्वांटिटी कम होगी या वो उतना इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। ये लिटरली आपकी तरफ से बहुत छोटा स्टेप हो सकता है अपनी मेल बॉल्डनेस को अवॉइड करने का या उसे डिले करने का। तो चलो चलते हैं हम अपने अगले हैक पे। ये हैक बहुत ही सिंपल है पर हम लड़के इसे सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। यूज़ अ कंडीशनर। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें कंडीशनर क्यों यूज़ करना चाहिए। जब भी हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों से डर्ट के साथ साथ मॉइस्चर भी निकल जाता है, जिस मॉइस्चर की वजह से हमारे बाल स्मूथ रहते हैं। तो जब हम कंडीशनर लगाते हैं उसका प्राइमरी काम ये होता है कि हमारे बालों में से जो स्मूथनेस चली गई है या जो मॉइस्चर चला गया है वो उसे वो वापस प्रोवाइड करता है। अब आपको वीक में कितनी बार कंडीशनर को यूज़ करना चाहिए मैं उसके लिए एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक रेंज दे सकता हूँ जिसके अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बाल थोड़े ड्रायर कैटेगरी में आते हैं मेरी तरह, तो आपको डेफिनेटली वीक में 2 बार कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपके बाल थोड़े से मॉइस्चर को होल्ड करते हैं, आपको शैम्पू के बाद भी अपने बालों में वो थोड़ा ऑयलीनेस फील होता है, तो 1 time इन अ वीक वुड बी सफिशियंट फॉर यू। पर अगर आप हेयर ग्रोथ जर्नी पे हो तो प्लीज़ वीक में 2 बार से कम मत लगाना, आपको 2 बार कंडीशनर को लगाना ही है। क्योंकि हम लड़के कंडीशनर को इतना ज़्यादा अवॉइड करते हैं, इसलिए इसे अप्लाई कैसे करते हैं इसकी भी प्रॉपर नॉलेज कई लड़कों को नहीं होती है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। आपको कंडीशनर लेना है, उसे हाथों पर रब करना है और फिर उसे आपके बालों की एक्चुअल लेंथ जो है, जो आपके एक्चुअल बाल है, उसके ऊपर लगाना है। अपनी स्कैल्प पे मत लगाना, क्योंकि जो हमारी स्कैल्प होती है वो नेचुरली अपने लिए ऑयल प्रोड्यूस कर लेती है। हमें कंडीशनर लगाने से मेन फोकस अपने बालों के अंदर जो ड्राइनेस हो जाती है उसे हटाना है, इसलिए उसे अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई करो बजाय उसके कि आप उसे अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करो। अब जब आपने इसे लगा लिया है तब इसे आप लगा के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपके बाल उस कंडीशनर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और फिर आप इसे अच्छे से धो लें। तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे, जो कि है स्टॉप यूजिंग हेयर ड्रायर्स। अब इस चीज़ का सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल ये है कि हीट आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है। अब वो आप बजाय उसके हीट ड्रायर से दो, गर्म पानी सर में डाल के दो या किसी और तरीके से दो, आपके बालों के लिए हीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्सट्रीम केसेस में जब आप इसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हो तो जो आपकी हेयर लाइन है, जो कि आगे की आपकी हेयर लाइन दिखती है, ये इसे पीछे भी पुश कर सकती है, और जिसे आप सेमी मेरल बॉल्डनेस भी बोल सकते हो। अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप वो हेयर ड्रायर यूज़ करो जिसके अंदर कूल ड्राई का ऑप्शन होता है। मैं पर्सनली वो ड्रायर भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा अर्जेंटली हेयर वॉश करके कहीं ऑफिस या कहीं और जाना होता नहीं है। पर अगर मुझे कहीं जाना होता भी है तो मैं अपने हेयर वॉशिंग स्केड्यूल को प्री एंड पोस्टपोन कर देता हूँ। पर अगेन, ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, आपको यूज़ करना है तो करो, इस एडवाइस को सुन के। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे, जो कि है अप्लाई ऑयल एटलीस्ट 1 time a week। अब देखो, ऑयल आपके बालों के लिए खाना होता है, और जिसे आप जितना कंसिस्टेंटली लगाओगे ये आपको उतने बेटर रिजल्ट्स देते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं खुद वीक में 2 बार ऑयल लगाता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे बाल थोड़े से ड्राई टाइप में आते हैं, जिन्हें ऑयल नहीं लगाए बिना वो बहुत गंदे दिखते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपने ऑयल्स बदलता रहता हूँ, और कभी कभार बीच में अलग अलग ऑयल्स का मिक्सचर करके भी लगाता हूँ। अभी के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए भी वही रिकमेंड करता हूँ। ऑयल लगाने से पहले आप बस उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना, जिससे आपके बालों के जो पोर्स होते हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में हेयर क्यूटिकल्स बोलते हैं, वो खुल जाते हैं, जिससे आपके बाल ऑयल को और अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ऑयल लगाते समय आपको 5-10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करनी है, जिससे आपके स्कैल्प वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑयल को रात को लगा के सोएं, जिससे आपके बालों को 6-8 hours का एक विंडो मिल जाए, जिसमें वो ऑयल के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, और सुबह को उठ के आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, जो कि है स्टॉप यूजिंग हॉट वाटर ऑन हेयर। अब जैसे कि मैंने अपने सेकेंड
थर्ड, अब जैसा कि मैंने उस पॉइंट में बोला था, हीट आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बालों के लिए बर्फ का पानी यूज़ करना शुरू कर दो। मैं रिकमेंड करता हूँ या तो रूम टेम्परेचर या उसे थोड़ा सा ठंडा यूज़ करो अपने बालों के लिए। तो प्लीज़ अपने बालों को गर्म पानी से धोना बंद करो ताकि आपके बालों की क्वालिटी और अच्छी हो सके। एडिशनल टिप, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है जैसा कि इन लोग पड़ रही है, तो मेक श्योर आप अपने बालों को कवर करके जाओ, क्योंकि अगेन बालों के लिए हीट अच्छी नहीं होती है। मैं आई बटन पे अपनी हेल्थ केयर की प्लेलिस्ट छोड़ दूंगा, अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।